हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आधार कार्ड के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आपका आधार कार्ड खो जाता है या फट जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो उसको दोबारा डाउनलोड करना बहुत मुश्किल होता है और आप शॉप पर जाके 50 से 100 रुपए में डाउनलोड करवाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल के थ्रू किस तरह से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और बात यह आती है, अगर आप डाउनलोड भी कर लेते हैं तो जब उसकी PDF आप ओपन करते हो तो एक पासवर्ड मांगता है, उस पासवर्ड को कैसे अनलॉक करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है जिसका नाम है uidai.gov.in। ठीक है, तो मोबाइल की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये आपको डाउनलोड करना है अपना आधार कार्ड। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको डाल देना है uidai.government.in। ठीक है, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है आधार कार्ड डाउनलोड करने की। ठीक है, जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन नजर आएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गेट आधार का ऑप्शन नजर आएगा जिसमें आपको ऑप्शन होगा एक डाउनलोड आधार, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, आधार नंबर के बाद एनरोलमेंट आईडी और वर्चुअल आईडी। मैं आधार नंबर के थ्रू ये डाउनलोड करना चाहता हूँ अपना आधार कार्ड। ठीक है, तो आपको अगर एनरोलमेंट आईडी से डाउनलोड करना है तो उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं या वर्चुअल आईडी से डाउनलोड करना है तो उससे भी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे डाउनलोड करूंगा आधार नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैं नहीं दिखाता बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। इसके बाद आपको ऑप्शन नजर आएगा आई वॉन्ट अ मास्क्ड आधार। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना अगर आपको मास्क आधार चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, मास्क आधार ये होता है कि इसमें सारे डिजिट्स आपके जो आधार कार्ड के आधार नंबर जो होता है वो हिडन रहते हैं, सिर्फ 4 डिजिट शो होते हैं। ठीक है, तो मुझे ये आधार कार्ड नहीं डाउनलोड करना, मुझे नॉर्मल आधार कार्ड डाउनलोड करना है। तो अब डायरेक्ट मैं कैप्चा कोड डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दिए जो आपका शो हो रहा है। ठीक है, NU9L। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका एक कोड जाएगा जो आपको इस पे डालना है। ठीक है, मैं सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देता हूं। सो फ्रेंड्स, यहां पे ओटीपी सेंड हो चुका है मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। ठीक है, और अगर ये आपका एक बार में नहीं जाता तो आपको रिसेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है, ये 1 मिनट के बाद दोबारा ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो मैं चेक करता हूं कि मेरे मोबाइल पे ओटीपी आया है या नहीं। एक बार में ओटीपी नहीं पहुंचा है तो यहाँ पे रिसेंड ओटीपी का ऑप्शन आ चुका है, तो मैं यहाँ पे रिसेंड ओटीपी पर क्लिक कर देता हूं, तो दोबारा से मेरे नंबर पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आधार कार्ड का जो ओटीपी था वो आ चुका है मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। ये थोड़ा टाइम ले सकता है तो आप लोग वेट करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो ओटीपी डाल देता हूँ चेक करके क्या ओटीपी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना ओटीपी डाल दिया है। उसके बाद ये आप कुछ सर्वे कहेंगे तो आपको ये सर्वे कर देना है। ठीक है, आपने आधार कार्ड पे रजिस्ट्रेशन कब कराया था, 3 महीने पहले कराया था मैंने, तो ये कुछ बेसिक्स हैं ये आप कर लिए। ठीक है, यस कर दीजिए, यू नो ये यस हम जानते हैं कि आधार कार्ड एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, यू नो कर दीजिए, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हैव नॉट येट, और यू नो यू कैन नो नॉट अवेयर। ठीक है, उसके बाद आप वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक किया, यहाँ पे थोड़ा टाइम ले सकता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए जैसा आप लोगों को नजर आ रहा है, ई आधार कार्ड। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। अब देखिए पासवर्ड किस तरह से आपको डालना है। ठीक है, जो आपका नेम है उसका शुरू के 4 डिजिट और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जैसे आपका नाम है सुमित कुमार। ठीक है, तो सुमित के स्टार्टिंग के 4 वर्ड SUMI। ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15/7/98, तो जो उसकी ईयर होगा 1998 वो, और स्टार्टिंग के 4 डिजिट ठीक है वो होने चाहिए आपके कैपिटल में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ, तो वीडियो पॉज करता हूँ। सो फ्रेंड्स, जो आपको स्टार्टिंग के 4 डिजिट डालने हैं वो कैपिटल में डालने हैं, तो यहाँ पे मैं ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और इससे आप यहाँ पर क्लिक करके, सॉरी यहाँ की टच खराब है इसकी, यहाँ पे जो 3 डॉट आ रहे हैं वहां पे क्लिक करके सेंड फाइल पर क्लिक करके आप ये आधार कार्ड किसी को भी सेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आधार कार्ड डाउनलोड करना है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जान ही लिया कि किस तरह से आधार कार्ड डाउनलोड करना है अपने मोबाइल से और उसका पासवर्ड किस तरह से अनलॉक करना है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
आपके लिए है, आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिए, वहां पर आप पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।